अच्छा पति के ऊपर विश्वास रख के मैं गए थे उसके साथ। फिर ट्रेन में मेरे को बैठा के बोला कि तेरे को मेरा भाभी भी और मेरा भैया भी पसंद नहीं करता, लेकिन मैं कहीं ले जाके मैं रख सकते हैं, लेकिन अभी घर में नहीं रख सकते हैं। जबरदस्ती ने मेरे को पकड़ के न ले गया, नया दिल्ली में उतार के फिर सीधा ले गया था सोनीपत। फिर सोनीपत में एक ये मुसलमान का घर में था, शाम को नहा धो के उसने निकल गया था। मैंने बोल दिया कि तू कहाँ जा रहा है, बोल दिया कि अभी तू यहाँ पे आ गया लेकिन एक साल काम करके चले जाएंगे। तो मुसलमान के घर में कितने दिन थे आप? मुसलमान के घर में मैं बस एक शाम को चले गए थे, सुबह मेरे को लोग ले जाने के लिए आ गया था। कौन कौन आया था? उस अनिल का जीजा आ गया था। अनिल ने महेश्वर को पैसा दे दिया और अनिल का जीजा मेरे को लेके गया, मेरे को बहन बना के बेच दिया था। मैं कुछ भी नहीं बोले थे वो लोग कि क्योंकि मेरे को भी डरा दिया था, ऐसे ऐसे बोल दिया कि क्यों इसी को फोन मत दे देना, अगर ये भागने चाहेगी तो पीट लेना। दिल्ली से मेरे को मंदिर ले जाके मंदिर में शादी करके सिंह गांव ले गया था। एक दिन अपीज के पास मैं फोन करे थे, उसका अपने नाम भाई के गांव, हाँ साहेबगंज फोन, मतलब झारखंड आपने फोन, हाँ झारखंड में मैंने फोन करे थे कि मेरे को ऐसा ऐसा। अनिल के फोन से? अनिल का फोन से मैंने करे थे, चोरी चोरी करके मैंने फोन करे थे। और जब अनिल को पता चलता था तो आपको बहुत मारता था? अनिल को पता चल जाता तो वो तो पता लग जाता तो मेरे को पीट ले, इसीलिए उसके सामने फोन नहीं उठाए थे, फोन भी नहीं छुए थे मैंने। जब आपको वहाँ से निकाला जा रहा था तब वहाँ पे क्या हो रहा था, क्या कह रहे थे वो लोग? मैं जैसे वो लोग 3 बजे पहुंच गया था निर्मल लोग, फिर मैंने बोले कि मेरे घर जाएंगे, फिर घर जाएंगे ऐसे ऐसे बोल के, फिर मैंने थोड़ी में सड़क में खड़ी थे उतनी तो उसका पापा अनिल का पापा मेरे को पीट दिया था लाठी से रोड में, हाँ रोड में पीट दिया था। फिर अनिल का चाची था उसने मेरे को पकड़ के घुसाई थी, फिर अनिल भी मेरे को भीतर में एक बार थप्पड़ मारा था उसने। बाथरूम टेस्ट में रिपोर्ट आई कि 1.5 महीना का बच्चा है इसका।